मैं पतियों में इतने नुक्स मिलते हैं ना, इतने नुक्स कि उनकी तो हम अगर बात करना चाहें तो सदियां कम पड़ जाएंगी। कितने नुक्स निकालने होंगे। Glasses, all this emotion. Try to tell her, but she probably didn't notice. She say she ain't got nobody. I say, baby girl, you're wrong. She say she ain't got no purpose. I say, what you on? Girl, you're wrong. What you on? तो यहाँ पे आपको इंडिया में यूज़ होने वाले सारे भांडे मिल जाएंगे, डोलू, लंच बॉक्स, इंडिया वाले तवे, कढ़ाइयाँ एंड ना देखो चटनी, जैसे मेरे पति को साउथ इंडियन पसंद है, लंगर। मैं सुनिया तू ही और समोसे दी कंफर्मेशन ना करन दे, मैं अपनी जनानी ले के आना, जनानी ले के आना। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ओके दोस्तों, तो हम इंडियन ग्रोसरी में पहुंच चुके हैं। इसका नाम है देसी मंडी और ये है बर्लिंगटन में कॉस्को के बिल्कुल पास है, ब्रांड स्ट्रीट के। और हम दोनों ऐसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए ये है पांडे, ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਡੰਡੀਆਂ ਸੀ ਹੈਂਡਲ। ਉਲਟੀ ਪੁਲਟੀ ਬਾਤੇ ਜਿੱਤੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਪਤੀ ਸੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੈਂ ਇਹ ਥਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਕਿੱਡੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਮੰਗਵਾਵਲਾ ਯਾਰ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਚਨ ਏਡ ਲੱਗੀ ਆ। ये पति इतने ज़्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं ना, इनका क्या करें। सो ये है मद्रास कॉफ़ी, मैंने लगता सो पति से बनाई यार मेरी इंगी मिंगी वो सच्चे तो चकली बना ली है, बहुत चकली। ओके ऐसे निकलती है ना कुछ, बड़ा मज़ा आ रहा है हम दोनों को सारी इन्वेस्टिगेशन करने में कि क्या क्या है यहाँ पे। बाबा रेडी खींचो। आज हम दोबारा से पासपोर्ट ऑफिस पहुंच चुके हैं पासपोर्ट पिक करने के लिए। सो अराउंड हफ्ता लगा, हमारा काम हो गया। एंड देयर इज पति ओपनिंग डोर। ज़्यादा क्यूट ना बनो। शौचालय में शूट नहीं करते? शौचालय च नहीं शूट करूँगी। समय हुआ है शाम के 7, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, पीछे थोड़ा मैस है, इट्स ओके, डोंट वरी, क्लीन करूँगी मैं। आज के दिन की शुरुआत हुई थी हमारी, पासपोर्ट पिक करने के लिए गए थे पासपोर्ट ऑफिस किचनर। सो वहाँ से जाते ही काम हो गया, तो हमारे एक दोस्त रहते हैं किचनर में, तो हमने सोचा उनके घर चले जाते हैं, 2-3 घंटे वहाँ पे लग गए। तो हम भाग भाग के घर वापस आए क्योंकि हिम्मत को पिक करने का समय हो गया था, और मैं नहीं चाहती थी कि हिम्मत अपने दोस्त के घर जाए, क्योंकि जब वो दोस्त के घर जाता है तो उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ से। सो हम समय पर घर पहुँच गए, हिम्मत को पिक किया, और उसके बाद हम आ रहे थे हमारी स्ट्रीट से, वहाँ पर मेरी एक और बहुत ही प्यारी सी दोस्त है, उसने हमें देख लिया, उसने कहा कि आओ 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 चाय पिए। हमने कहा कि नहीं नहीं ओके बाय, फिर पियेंगे ब्ला ब्ला ब्ला, बट उन्होंने फिर कहा कि मैंने चाय रख दी है अब तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो घर आके मैंने जल्दी से राइस बनाए एंड भाग के गए उनके घर चाय पीने के लिए। उसके बाद जब मैं घर वापस आई मुझे याद आया कि मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, लाइक 5-6 डिफरेंट स्टोर्स में जाना है क्योंकि मुझे कोई चीज़ें पिक करनी है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं और हिम्मत चले गए पिक करने के लिए, हस्बैंड चले गए किसी मीटिंग में ऑनलाइन जूम। एंड उनमें से एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, मैं लेके आई हूँ हिम्मत के लिए पानी की बॉटल, बहुत ही प्यारी स्टील की, बहुत ही मजबूत बॉटल है ये, नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो। सो इसमें पानी रहता है ठंडा 12 घंटे एंड गर्म, नहीं पानी ठंडा रहेगा 24 आवर एंड गर्म रहेगा 12 घंटे। सो हिम्मत कह रहा है कि मुझे इसमें कॉफ़ी डाल के दे देना। वैसे तो मैं ज़्यादातर चीज़ें बोरिंग लेके आई हूँ, पर ये डॉक्टर जाट के, डॉक्टर जाट, आई डोंट नो मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, उसका एक तो ये मास्क है जो रबर वाला है, इसे यूज़ करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, विटामिन सी वाला रिन्यूअल मास्क है ये है। इसमें 5 मास्क है डिफरेंट एंड विनर से लिए हैं मैंने बाय द वे, एंड एक्सपायर होंगे ये 2024 में। सो काफ़ी समय है क्योंकि जब मैं मास्क लेती हूँ मुझसे यूज़ नहीं होते,
सो ये इन्फॉर्मेशन डन कर दी। अब मैंने हिम्मत के लिए चॉकलेट्स भी लिए हैं ट्रीट्स कि हर दिन वो खोल पाएगा December 1 से December 24 तक, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो एक्साइटेड हो। अब इसे छुपा देंगे, वो आ गया खोलने के लिए, अभी नहीं खोलेंगे क्योंकि फिर मिस हो जाएगा। एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई कि जब हम घर आए आके मैंने मेरे हाउस टूर की वीडियो को भी फिनिश किया। अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जाएं और देख लें। फाइनली मैंने मेरे हाउस का टूर कर दिया है 3 साल बाद। 18 में हम यहाँ पे मूव हुए थे, 2021 हो चुका है। सो या 3 साल बाद मैं कर देता है। और अब ये लेके आई हूँ एक बुक, ये स्केच बुक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी स्केच बुक को यूज़ करना जर्नल करने के लिए, क्योंकि इसमें मैं वाटर कलर यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी आर्ट करती हूँ। पर इसको मैं उस काम के लिए नहीं लेके आई हूँ, इसको मैं लेके आई हूँ रेसिपीज़ लिखने के लिए। इसमें 192 पेजेस हैं, 192। सो जो मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ 100 से कम ही होंगी। सो मैंने सोचा उसको मैं इसमें लिखूंगी, क्योंकि कई बार मैं अपनी रेसिपीज़ खुद से भूल जाती हूँ। पर जो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा रूटीन में बनाती हूँ वो नहीं मैं भूलती हूँ, पर फिर भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए मैं इसमें मैं रेसिपीज़ लिखने वाली हूँ। क्योंकि जब मैं इंडिया में थी, छोटी थी, टीनेजर थी, तो मैं हमेशा रेसिपीज़ लिखा करती थी। अभी तक मेरी मम्मी को वो चीज़ें कहीं ना कहीं से मिल जाती है घर के कोनों से, जो मैंने रेसिपीज़ रखी हैं। कुछ ना कुछ मुझे ना इकट्ठा करने का बहुत शौक होता था, रेसिपीज़ हों, कोई ब्यूटी टिप्स हो, कुछ भी। सो इसमें मैं रेसिपीज़ लिखने वाली हूँ मेरी, जो मेरी बेस्ट चीज़ें हैं, ताकि मैं इसे हिम्मत को पास ऑन कर पाऊँ, या मेरी बेटी फ्यूचर में होगी जो होगी या नहीं आई डोंट नो, सो किसी को पास ऑन कर पाऊँ मैं। हिम्मत कह रहा है कि इसमें वो सारी रेसिपीज़ लिख दो जो तुम बनाती हो और मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं बना के खाना चाहूँगा तुम्हारे मरने के बाद। सो या हिम्मत काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतनी चिंता की बात नहीं है। सो मैं इसमें वो रेसिपीज़ लिखूँगी एंड कोशिश करूँगी कि आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि खुदा की मेहर है मुझ पर कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ। इतना ज़्यादा, जैसे छू लेती हूँ ना कड़छी, स्वादिष्ट हो जाता है। यार ऐसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो, कल मैं बनाऊँ कल से बकवास बनना शुरू हो जाए। एक्चुअली ऐसे नहीं कहना चाहिए। ओके डन। वैसे अच्छा ठीक ठाक कुक कर लेती हूँ मैं, लाइक स्वादिष्ट लगता है जो भी खाता है ना उसे अच्छा लगता है। सो ये लेके आई हूँ मैं। सो अब मैं चाय का कप पीने वाली हूँ, 7:30 हुए हैं। आज हमने बस नन्ना सा एक ही मील खाया है एंड मेरा वेट हो चुका है 60 कितना करना चाहनी है, मैं 60 करना चाहनी है। देखने में मैं मोटी लगती हूँ और मैं नहीं मोटी हूँ। सो यस, अब मैं पीने वाली हूँ चाय एंड मैं देखूँगी टीवी, क्योंकि जब मैं चाय पीती हूँ तब मुझे लगता है कि मेरा रिलैक्सिंग टाइम है। जब मैं चाय नहीं पीती हूँ तो फिर मैं कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, क्योंकि मैं चलने नहीं बैठ सकती हूँ। बेशक मेरी बॉडी में दर्द हो, मेरे पैर दुख रहे, हाथ दुख रहे, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग बंदा हूँ। मैं रिलैक्स करना चाहती हूँ पर मुझसे होता ही नहीं है। अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे तो ज़रूर से बताना कि आपकी बॉडी भी निचली नहीं रहती है। ओके गाइस, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे इंडियन चाय अब अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे स्ट्रीप टी अच्छी लगती है क्योंकि वो हल्की है। एंड आज मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि उनको भी इंडियन चाय अब अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसमें हम शुगर डालते हैं, उसको काफ़ी काटते हैं, रिज रिज के वो हैवी हो जाती है, और स्ट्रीट टी पानी जैसी हल्की फुल्की लगती है। सो आज मुझे कह रहे थे कि मैं नहीं पीऊँगा अब चाह, हम डन विद चाह, मुझे भी स्ट्रीट टी दिया करो। सो मेरे पे हंसते थे ना कि कैसी पानी वाली चाय पीती है ये वो, पर अब उनको भी वही चाय अच्छी लगनी शुरू होगी। पहले तो मैं सोया मिल्क के साथ पीती थी एंड मुझे और ज़्यादा अच्छी लगती थी सोया मिल्क के साथ, तब मुझे दूध वाली चाय अच्छी नहीं लगती थी, पर अब मुझे ये वाली चाय अच्छी लगती है। इसमें मैं सिर्फ ड्रॉप कुछ ड्रॉप्स क्रीम की डालती हूँ। आपने ब्लैक फ्राइडे पे सेल की है कोई, सेल शॉपिंग की है कोई? मैंने की है क्विकली कुछ कुछ चीज़ें, अगर आपने देखना चाहेंगे तो मुझे कमेंट बार में बताना तो मैं आपके साथ हॉल करूँगी। जल्दी जल्दी मैं कई कई चीज़ें खरीदी। अब एक्चुअली जब मैं चीज़ें खरीदती हूँ ना तो मैं बहुत सोच समझ के खरीदती हूँ कि मैं इसे कितना समय पहन सकती हूँ, क्या ये सच्ची मुझे इसकी ज़रूरत है। ऐसे ही क्विक फास्ट फैशन चीज़ें नहीं खरीदती हूँ मैं, अब ऐसे ही कलर खरीदती हूँ। वैसे तो मैं काफ़ी समय से ऐसे ही हूँ कि ऐसे ही कलर खरीदती हूँ कि जो मैं लंबा समय तक पहन पाऊँ और कई तरह से स्टाइल कर पाऊँ, लेयर कर पाऊँ। बहुत ही ज़्यादा भड़कीले किस्म के प्रिंट्स नहीं खरीदती हूँ मैं काफ़ी समय से। सो मैं ज़रूर से दिखाऊंगी कि आपने मैंने क्या खरीदा। मुझे लगता है मैंने 3-4 ड्रेसेस भी खरीदी हैं। कोई ड्रेसेस मैंने हडसन बेक्स से खरीदी हैं जो कि अराउंड 300 की थी और मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिली, क्योंकि महंगी ड्रेसेस खरीदने का ना सस्ते रेट में जो मज़ा है ना वो किसी और चीज़ में नहीं आता। सेल में चीज़ें खरीद के मुझे अच्छा लगता है, पर ऐसे कोई रैंडम ऐवें ऐवें चीज़ें नहीं जिन पर मेरी आँख होती है बहुत समय से, या जो स्टाइल्स मुझे अच्छे लगते हैं वही। सिर्फ सेल होने की वजह से मैं चीज़ें नहीं खरीद लेती हूँ, अच्छी चीज़ हो तभी मैं खरीदती हूँ। मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि सेल होने की वजह से वो चीज़ें खरीद लेते हैं कि चौके पहन लूँगा पहन लूँगा। मैं कहा कि यार जो पहनना चाहते हो वही खरीदो, सिर्फ सेल करके मत खरीदो। यार पता
इतने नुक्स मिलते हैं ना, इतने नुक्स कि उनकी तो हम अगर बात करना चाहें तो सदियां कम पड़ जाएंगी। कितने नुक्स निकाले उनके। मेरे पति तो ऐसे हैं कि सामने पर ही चीज़ उनको दिखती नहीं है। आज सुबह मुझे कह रहे थे कि मैंने चाय नहीं बनाई क्योंकि मुझे दिखी नहीं। सो ये जो कैबिनेट है इसको खोलेंगे, इसमें चाय है या आलू फालतू मसाले हैं। सो हस्बैंड ने यहाँ पे खोला और कहा कि और चाय नहीं है क्योंकि ये तो कॉफ़ी है, बंद नहीं कर दिया। मैं कहा कि ज़रा खोलो एंड थोड़ा चेक करो। चाय जस्ट देयर, जस्ट हियर। आई थिंक कैमरे में भी दिख गई होगी कि चाय कहाँ पे है। देयर पर पति सर वो इतना भी बॉदर नहीं करे थे कि इद्दा देख लो। कह रहे कि ओह चाय है नहीं, मोकगी क्या बनाऊँ मैं। जब मैंने कहा कि अब उठ के आके ज़रा दोबारा देखना, जब खोला और फिर दिख गई। कहते कि जब तू आती है तू रखती है तभी मुझे दिखता है। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर पतियों की कमियाँ निकालने लग गए ना हम तो सदियाँ कम पड़ जाएंगी। मुझे तो ऐसे लगता था कि मेरे पति ही ऐसे हैं, पर अब आप मैसेज करके बताते हैं कि घर घर का ये हाल है तो थोड़ा सुकून तो मिलता है कि या मुझे ही डिफेक्टेड पीस नहीं मिला है, बाहर बाजार में प्रोडक्ट ही ऐसा मिलता है। सो काफ़ी सुकून मिला इस चीज़ को जान के। चाय पीती हूँ मैं क्योंकि पतियों की बातें तो ख़त्म नहीं होंगी। अरबी बनाई है मैं तब बस्ट आया। सो गिव योर रिव्यूज एंड ट्राई टू बी एज ओरिजिनल एज पॉसिबल, डोंट ट्राई टू बी समवन फेक। तेरी अरबी दी मैं की सिफ्त करा, तेरी अरबी दी मैं की सिफ्त करा। क्यों उठा नहीं पांदे मेनू, आलू ते अरबी ते कोई फर्क नहीं लगदा पिया। सो गुड, ओ मैन इट्स सो गुड।